हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज मैं आप लोगों को कॉकरोच के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। ये अपनी नाक से सांस नहीं लेते हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे सांस लिया करते हैं। इसी कारण कॉकरोच के सिर कटने पर भी ये सांस ले सकते हैं। 4600 में से लगभग 30 कॉकरोच प्रजातियां मानव आवास से जुड़ी हैं। कॉकरोच एक प्राचीन समूह है जो 300 से 350 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस अवधि के दौरान पूर्वजों के साथ उत्पन्न हुए थे। क्या आपको पता है कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं। इनके मल में एलर्जी पैदा करने वाला तत्व होता है जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके अलावा सांस से जुड़ी बीमारियों का होने का खतरा बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि इनके खून का रंग सफेद होता है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा पादने वाले जानवरों में से एक है। कॉकरोच एक दिन में हर 15 मिनट के अंदर पादा करते हैं। चीन और थाईलैंड में कॉकरोच को फ्राई करके खाया जाता है। ये अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक सकते हैं। इसी वजह से ये पानी में 30 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोच का सबसे बड़ा दुश्मन छिपकली होता है। क्या आपको पता है कि कॉकरोच के 18 घुटने होते हैं। इनकी टांगे टूटने पर फिर से नई टांगे उग आती हैं। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये बच्चों में एलर्जी और अस्थमा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे 33 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया फैलाते हैं। क्या आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा कॉकरोच साउथ अमेरिका का था जो 6 इंच बड़ा था। वैसे सामान्य कॉकरोच 1.5 से 2 इंच लंबे होते हैं। नवजात कॉकरोच के बच्चे मात्र 36 दिनों में ही वयस्क हो जाते हैं। इनका नवजात बच्चा मात्र धूल कण के जितना बड़ा होता है, लेकिन वे बड़े कॉकरोच की तरह दौड़ सकते हैं। कॉकरोच कीट वर्ग का एक सर्वाहारी रात्रिचर प्राणी है जो अंधेरे में गर्म स्थानों में जैसे रसोई घर, गोदाम, अनाज में पाया जाता है। इनका शरीर 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। कॉकरोच वहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ खाना हो, जैसे कि किचन की सतह पर। वहाँ वो ऐसे बैक्टीरिया छोड़ते हैं जिनकी वजह से पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सफाई की आदत डालकर इन कीड़ों की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। तो मैंने आपको कॉकरोच के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।